coordinating transfer. Thing but a criminal. वेलकम बैक रॉकर्ट्स, असासिन 33 एडी मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत 33 एडी में जीजस के मरने के एक रात पहले होती है। जीजस गेथसेमैन गार्डन में प्रेयर कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ब्लू लाइट फ्लैश होती है और साल 2022 में हत्यारों का एक ग्रुप टाइम ट्रेवल करके 33 एडी में पहुंच गया है। उनका मिशन है जीजस की हत्या करना ताकि मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान न हो। ऐसा करके वे ईसाई धर्म को उसके जन्म से पहले ही मिटा देना चाहते हैं। हत्यारे जीजस और उनके शिष्यों को तलाश करने लगते हैं। जीजस के शिष्य सोए भी होते हैं, तभी अचानक सोल्जर का एक ग्रुप आकर जीजस को अरेस्ट कर लेता है और उन्हें सूर्य पर चढ़ाने के लिए लेके जाता है। लेकिन हत्यारों का ग्रुप हिस्ट्री को बदलने के इरादे से आया होता है और वे हर किसी पर गोलियां चलाने लगते हैं। वे सबको मार डालते हैं। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि जीजस को कई बुलेट्स लग गए हैं, पर वो अभी भी जिंदा है। एक हत्यारा जीजस से कहता है कि अगर आप सच में भगवान के बेटे हैं तो आप बुलेट्स को रोक क्यों नहीं पाए। पर जीजस जवाब देते हैं कि मेरा अंत आ चुका है। इस पर वो हत्यारा जीजस पर एक गोली चलाकर उनको वहीं मार डालता है। अब वे जीजस को एक बैग में डालते हैं और अपने टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से वापस 2022 में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ अच्छे साइंटिस्ट ये देख लेते हैं और इस गलती को ठीक करना चाहते हैं। उनका मानना है कि पास्ट को चेंज करने से प्रेजेंट पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए वे जीजस को बचाने के टाइम ट्रेवल करके 33 एडी में पहुंच जाते हैं। लेकिन वे लेट पहुंचते हैं और हत्यारों ने जीजस और उनके शिष्यों को पहले ही मार डाला होता है। यार, तुम्हारे पास टाइम मशीन है और तुम फिर भी लेट पहुंचे, ये सवाल डायरेक्टर से पूछने का मन करता है ना? खैर, अभी ने जल्द से जल्द प्रेजेंट में वापस आना होगा और समय को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जीजस के मरने के बाद घटनाक्रम बदलता है। एक साइंटिस्ट प्रेजेंट में आता है लेकिन उसे जीजस के हत्यारे पकड़ लेते हैं और अचानक पास्ट में किए गए इस बदलाव से प्रेजेंट पूरी तरह से चेंज होने लगता है। ये बिल्डिंग भी मिट गई है और ये जगह बिल्कुल बंजर जमीन बन गई है। इस टाइमलाइन में ह्यूमंस लुप्त हो चुके हैं और अंडरग्राउंड से कुछ क्रिएचर्स पनपने लगते हैं जो पृथ्वी के आखिरी इंसान को भी खा जाते हैं। यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अनहोनी के कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये जीजस के हत्यारों में से एक है जिसका नाम ब्रैंडिट है। ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर है जो अब तक डिवोटेड क्रिश्चियन है और जीजस में बिलीव करता है। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। एक दिन वो अपनी वाइफ और बेटियों के साथ बहुत ही खुशी खुशी कार में जा रहा होता है। ब्रैंडिट को एक टॉय सीक्रेट कंपनी में सिक्योरिटी हेड की जॉब मिली है, इसलिए वो दूसरे स्टेट जा रहा है, पर वो सड़क पर ध्यान नहीं देने के बजाय कुछ और ही कर रहा होता है। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसकी पत्नी और बच्चे स्पॉट पर जलकर राख हो जाते हैं। अब अपनी फैमिली को खोने के कारण ब्रैंडिट चीखता चिल्लाता है। उसको जिंदगी से और भगवान से सख्त नफरत होने लगती है क्योंकि भगवान ने उसकी फैमिली को नहीं बचाया। ये गाड़ी चलाते हुए रोमांस कर रहा है और अब कहता है कि भगवान की गलती थी। वाह बेटा। अब हमें एक यंग साइंटिस्ट रैम गोल्डस्टीन को दिखाते हैं। ये अपने कलीग एमी से प्यार करता है। अब 3 महीने बाद दिखाते हैं कि रैम यंग साइंटिस्ट के एक ग्रुप को लीड कर रहा है जिसमें फ्लैग, सीमन और एमी शामिल है। ये लोग एक मल्टी बिलियन अरब कंपनी के लिए मैटर ट्रांसफर पर रिसर्च कर रहे हैं। इस कंपनी का ओनर है अहमद और ब्रैंडिट अहमद की कंपनी का सिक्योरिटी हेड है। ये साइंटिस्ट मैटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे होते हैं। जब रैम एक एल्गोरिथम टेस्ट करता है तो गलती से वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। इस पर अहमद खुद आकर चेक करता है कि ये साइंटिस्ट आखिर कर क्या रहे हैं। इसी दौरान रैम का चेयर अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। अब अहमद समझ जाता है कि इन साइंटिस्ट ने मैटर ट्रांसफर का सीक्रेट पता लगा लिया है और इस वजह से वो रैम की टीम को अपनी टॉप टीम बना देता है और वो इनको एक मैटर ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस बनाने को भी कहता है जिसके बदले में वो इन सबको एक मोटी रकम देने के लिए तैयार है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अहमद के पेरेंट्स एक उग्रवादी ग्रुप के मेंबर्स थे लेकिन उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया था। अब मजहब बदलने की वजह से उग्रवादी ग्रुप ने उनको मार डाला था। अहमद अब भी उग्रवादी ग्रुप का मेंबर है और वो जीजस और क्रिश्चियनी को अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो चाहता है कि ये साइंटिस्ट मैटर ट्रांसफर पर रिसर्च करें और एक टाइम मशीन बनाए ताकि वो 33 एडी में जाकर जीजस का खून कर सके। उसे लगता है कि ऐसा करने से जीजस मशीहा का दर्जा खो देगा। अब रैम और एमी दिन रात एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि अहमद के आदमी उनको 2400 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो एक ब्रेक लेकर सर्वर रूम में जाते हैं जहां पर कोई कैमरा नहीं है और उनका रोमांस शुरू हुआ ही होता है कि अचानक एक आवाज आती है। रैम सर्वर्स को चेक करता है तो पता चलता है कि अहमद एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा है और ये टेररिस्ट ग्रुप मैटर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बॉम्ब्स और वेपन्स को ट्रांसफर करके World War III शुरू करना चाहता है। ये जानने के बावजूद रैम कुछ नहीं कर पाता और उसे अपनी रिसर्च जारी रखनी पड़ती है। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद रैम मैटर ट्रांसफर और टाइम मशीन की टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हो जाता है और अहमद के आदमी कैमराज द्वारा देख लेते हैं कि रैम ने मैटर ट्रांसफर और टाइम ट्रेवल का सीक्रेट ढूंढ निकाला है। लेकिन इससे पहले कि अहमद इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करे,
रैम सारे फाइल्स को डिलीट करने लगता है। तब अहमद के आदमी आकर उसको पकड़ लेते हैं। अहमद अपना प्लान बताता है कि वो ब्रैंडिट और उसकी टीम को टाइम ट्रेवल से जेरूसलम भेजकर जीजस का खून करवाएगा ताकि हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी नाम का एक रिलीजन ही ना रहे। लेकिन रैम उसे टाइम ट्रेवल का सीक्रेट कोड देने से इनकार कर देता है और अहमद के आदमी उसको टॉर्चर करते हैं और एक बैग में डालकर वेयर हाउस में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वे फिर रैम को टॉर्चर करते हैं और टाइम मशीन का कोड देने पर उसको मजबूर करते हैं। अब इतने में अहमद रैम के पेरेंट्स को बंदी बनाकर लेके आता है, पर अब भी रैम कोड नहीं बताता और वे रैम के पेरेंट्स को मार डालते हैं। यहाँ एमी, फ्लेक्स और सिमन रैम के लिए परेशान होते हैं कि वो कहाँ गया। इतने में अहमद आकर उन्हें बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उन्हें जो रकम प्रॉमिस की गई थी वो जरूर दी जाएगी, पर फिलहाल वे बाहर किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। एमी रैम के बारे में पूछती है तो अहमद झूठ बोलता है कि रैम यूएस के एक टॉप मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और अब जब अहमद एमी और उसके साथियों को खत्म करने की धमकी देता है तो रैम अहमद के लिए टाइम मशीन बनाने को तैयार हो जाता है। फिर मशीन के बन जाने पर अहमद एक आदमी पर उसको टेस्ट करता है और वो आदमी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब इसको देखकर अहमद बहुत ही खुश होता है और बैंडिट और साइबर नाम के एक आदमी के साथ एक टीम को 33 AD में भेजता है। वो जीजस के पुनरुत्थान से पहले जेरूसलम पहुंचेंगे और जीजस का खून कर देंगे। पागलपन से भरे इस प्लान को अंजाम देने के लिए बैंडिट जल्दी से हथियारों की एक टीम बनाता है। यहाँ एमी और उसके साथ ही सर्विलेंस रूम में घुसकर रैम का पता लगा लेते हैं। वे वेयर हाउस में जाकर उसको छुड़ा लेते हैं। अब रैम उन्हें अहमद का सारा प्लान बता देता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर बैंडिट की टीम 33 AD में पहुंच चुकी है। बैंडिट जीजस के सर पर शूट करके अपना सारा गुस्सा उतारता है और उसकी टीम जीजस को एक बैग में डालती है और वे प्रेजेंट में लौट आते हैं। ये सब रैम और उसकी टीम देख रही होती है। 33 AD में किए गए बदलाव के कारण प्रेजेंट बिल्कुल ही बदल जाएगा, इसलिए ब्रांडेड की टीम को रोकने के लिए रैम की टीम 33 AD में जाती है। लेकिन वे लेट पहुंचते हैं। तब तक सारा कांड हो चुका होता है और ब्रांडेड की टीम ने जीजस का कत्ल भी कर दिया है। जीजस के मरने से घटनाक्रम बदलने वाला है, इसलिए रैम की टीम को तुरंत प्रेजेंट में आना पड़ेगा। रैम और एमी पहले जाने का फैसला करते हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो अहमद के खतरनाक मिशन को रोकना फ्लेक्स और सिमन की जिम्मेदारी होगी। अगले सीन में रैम और एमी प्रेजेंट से एक घंटे पहले पहुंच जाते हैं। अभी रैम के पेरेंट्स जिंदा हैं। इस वक्त साइंटिस्ट के प्रेजेंट वर्जन पहले से यहां पर मौजूद हैं। अब अहमद के आदमी इनको चेस करने लगते हैं। ये दोनों लैब में जाकर लॉक कर देते हैं। अब एमी सीसीटीवी कैमरा द्वारा प्रेजेंट टाइम की एमी को इशारा करती है कि अहमद के आदमी जीजस को मारने वापस गए हैं। वो बताती है कि रैम वेयर हाउस में है और उसको बचाना होगा। समझ में नहीं आता कि ये कैसी साइन लैंग्वेज है। कुछ ही देर में रैम और एमी मारे जाते हैं। वहाँ फ्लेक्स और सिमन 33 AD में अटके हुए हैं। जब रैम और एमी वापस नहीं लौटते तो दोनों प्रेजेंट में लौटने का फैसला करते हैं। बदकिस्मती से सिमन का टाइम रिट्रीवर टूट जाता है और फ्लेक्स अकेला प्रेजेंट में लौट आता है। अहमद और उसके आदमी टाइम मशीन में वेट कर रहे होते हैं। जीजस का कत्ल करके अहमद का प्लान सक्सेसफुल हो गया है और अब इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी नाम का रिलीजन ही नहीं है। उनके प्लान की वजह से दुनिया का विनाश हो गया है और हर तरफ बंजर भूमि फैली हुई है। इस एपोकलिप्टिक दुनिया में अब दया, क्षमा ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है। फ्लेक्स का ये वर्जन मर गया है और बाकी साइंटिस्ट के पहले वर्जन भी मर चुके हैं, पर पास्ट में होने की वजह से सिमन जिंदा है। अब इन साइंटिस्ट के सेकंड वर्जन सीसीटीवी पर ही देख रहे होते हैं और वे तुरंत रैम को बचाने वेयर हाउस पहुंच जाते हैं। वे लैब में भी जाते हैं और पास्ट में और भी पीछे चले जाते हैं, जिससे वे टाइम लूप्स के अंदर टाइम लूप्स बनाते हैं और इस तरह वो ब्रांडेड की टीम से 10 मिनट पहले 33 AD में पहुंच जाते हैं। वहां एक फायर फाइट शुरू होती है जिससे फ्लेक्स और सिमन मारे जाते हैं, लेकिन रैम और एमी बच जाते हैं। ब्रांडेड और सबीर भी बच निकलते हैं और एक डेडिकेटेड क्रिश्चियन होने के नाते वो रैम से कहती है कि तुम ब्रांडेड और सबीर को जीजस का खून करने से रोक डालो। फिर रैम एमी को घायल हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर एमी उसे कन्विंस करती है और वो अपने कपड़ों को एमी के घाव पर लपेटकर चला जाता है। कुछ दूर पर वो सबीर को देख लेता है और उसको चेस करता है। सिमन का पहला वर्जन अभी भी उस टाइम ट्रेवल में जिंदा है क्योंकि उसका टाइम रिट्रीवर खराब हो गया था। वो जीजस को अपने सामने देखकर बड़ा चकित रह जाता है और कहता है कि आप अपना पुनरुत्थान मत होने दीजिए क्योंकि मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है। लेकिन जीजस नहीं मानते और कहते हैं कि मेरे सामने सिर्फ ये एक रास्ता बचा हुआ है। कुछ देर में सोल्जर्स उन्हें बंदी बना लेते हैं। फिर रैम जीजस से मिलता है और सोल्जर से बात करने की कोशिश करता है। तब एक रोमन कमांडर उस पर अटैक करता है, लेकिन रैम बच निकलता है और एमी के पास पहुंच जाता है। अब प्रेजेंट में बैठे अहमद के आदमियों ने रैम और एमी के टाइम रिट्रीवर को डिसेबल कर दिया होता है, इसीलिए अब ये दोनों प्रेजेंट में नहीं जा सकते। अगली सुबह ब्रांडिड और सबीर लोकल्स की तरह ड्रेस करके जीजस को ढूंढने निकलते हैं। तब मार्केट में सबीर एक टमाटर चुराकर खाने लगता है, लेकिन 33 AD में टमाटर चुराना एक बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता है और लोकल गार्ड्स उसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं। लगता है एक टमाटर के लिए अपनी जान ही गंवा देगा, लेकिन सबीर उनसे लड़ता है और एक गार्ड को शूट कर देता है। वहाँ भगदड़ मच जाती है। अब कई गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को भी सूली पर चढ़ाने ले जाते हैं। तब सबीर का टाइम रिट्रीवर गिर जाता है और उसको एक औरत उठाकर रख लेती है।
अगले सीन में जीजस खुद अपना क्रॉस उतार कर चल रहे होते हैं और सोल्जर्स उनको चाबुक से मार रहे होते हैं। सिमन जीजस से कहता है कि आप इन लोगों से बचकर कहीं चले जाइए, लेकिन जीजस कहते हैं कि मुझे इंसानियत की भलाई के खातिर अपना कर्तव्य पूरा करना है। फिर क्रॉस को उठाने में सिमन जीजस की मदद करता है। आखिर जीजस को सूली पर चढ़ा जाता है। तब रैम एमी को उठाकर वहां लाता है क्योंकि एमी मरने से पहले अपने भगवान को जीवित दिखना चाहती है। रैम जीजस से विनती करता है कि अगर आप सच में भगवान हैं तो प्लीज एमी को बचा लीजिए। जीजस कहते हैं कि अगर एमी बैंडिट को माफ कर सकती है तो वो बच जाएगी। तब दिखाते हैं कि जीजस के दोनों तरफ सबीर और बैंडिट को भी सूली पर चढ़ाया जाता है। बैंडिट अपने किए के लिए जीजस से माफी मांगता है और रैम गांव में जाकर एमी के लिए मदद मांगता है। तब वो सिमन से मिलता है और अपनी और एमी की हालत बताता है। जब सबीर और बैंडिट नहीं लौटते तो अहमद खुद 33 एडी में पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि जीजस के शिष्य जीजस के शरीर को चुराकर उनके पुनरुत्थान की कहानी दुनिया में फैला दे, अहमद उनके शरीर को चुराना चाहता है और इस तरह दुनिया में क्रिश्चियनिटी का जन्म ही नहीं होगा। तभी अचानक अर्थक्वेक होता है और टेंशन में अहमद अपना टाइम ट्रेवल डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से वो और जीजस का शरीर दोनों ही उस जगह से गायब हो जाते हैं। रैम और सिमन जीजस के मकबरे पर जाते हैं तो वहां उनका शरीर नहीं होता। वहां ग्लो स्टिक्स को देखकर वे समझ लेते हैं कि ये अहमद का ही काम है। इतने में जीजस के दो शिष्य आते हैं। अब जीजस के शरीर को न पाकर वो दूसरों को बताने जाते हैं, लेकिन रैम और सिमन कहते हैं कि जीजस का पुनरुत्थान हो चुका है। जीजस के शिष्य इन दोनों को एंजल्स समझते हैं और उनकी बात पर तुरंत विश्वास ही कर लेते हैं और इस तरह सब कुछ वैसा ही होता है जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब वे लौटते हैं तो एमी अपनी आखिरी सांस लेती है। एमी का ये वर्जन भी अब मर चुका है। दोनों बहुत ही दुखी बैठे होते हैं और तब वो औरत आती है जिसने सबीर का टाइम रिट्रीवर उठाया था। उस टाइम रिट्रीवर की मदद से दोनों प्रेजेंट में लौट चुके हैं और डिसाइड करते हैं कि रैम के पेरेंट्स की मौत से पहले वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस टाइमलाइन में उनके सारे साथी जिंदा थे। अब वे प्रेजेंट में पहुंचते हैं लेकिन अहमद की आदमी उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वे सिमन को गोली मार डालते हैं। फिर दोनों मिलकर अहमद की आदमियों को मार देते हैं। रैम सिमन से कहता है कि तुम डिफॉल्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो, इससे ओरिजिनल टाइम लूप के अलावा बाकी सारे टाइम लूप्स खत्म हो जाएंगे और इसके बाद तुम कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देना। ये कहकर रैम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए चला जाता है। अब पिछले टाइमलाइन का अहमद आता है और सिमन को मार डालता है, पर सिमन ने पहले से ही डिफॉल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया था और हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दिया है। रैम अपने पेरेंट्स को बचा लेता है और इस टाइमलाइन के अहमद के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां ब्रैंडिट को देखकर वो उसको शूट करने जाता है क्योंकि उसने पिछले टाइमलाइन में एमी को मार डाला था, पर वो रियलाइज करता है कि ब्रैंडिट का ये वर्जन एमी का कातिल नहीं है। आखिर रैम जीजस की बात समझ जाता है कि दूसरे इंसान को माफ कर देना ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अब वो ब्रैंडिट के इस वर्जन से बदला नहीं लेना चाहता। तब सबीर और उसके आदमी एमी को बंदी बनाकर लेके आते हैं। वो रैम को धमकी देता है कि अगर तुमने टाइम ट्रेवल डिवाइस को एक्टिवेट करने का कोड नहीं दिया तो एमी को मैं मार डालूंगा, लेकिन कोड बताने के बजाय वो ब्रैंडिट से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तुम हीरो बनकर अच्छे काम करना। ब्रैंडिट रियलाइज करता है कि अहमद एक बुरा आदमी है जो उग्रवादियों के लिए काम कर रहा है। वो अहमद के आदमियों को शूट करने लगता है और कई आदमी मारे जाते हैं। आखिर अहमद ब्रैंडिट को ही मार डालता है। इसी बीच रैम अहमद के पीठ पर चाकू घूम देता है और अहमद मर जाता है। तब FBI के ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं और अहमद के आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मरने से पहले सिमन ने डिफॉल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया था। अब सारे टाइम लूप्स मिलकर एक हो जाते हैं और सभी कैरेक्टर्स के अलग अलग वर्जन मिट जाते हैं। पिछले टाइमलाइन का रैम भी मिट जाता है और ओरिजिनल रैम वेयरहाउस से आजाद हो जाता है। आखिर इस टाइमलाइन में सारे साइंटिस्ट जिंदा बच जाते हैं। अब 3 महीने बाद दिखाते हैं कि साइंटिस्ट ब्रैंडिट की फैमिली को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रैम अपने साथ एक साइनबोर्ड लेकर जाता है जिस पर लिखा है स्टॉप। अभी टाइम ट्रेवल करके एक्सीडेंट के पहले के टाइमलाइन में जाने वाला है ताकि इस बोर्ड को देखकर ब्रैंडिट कार रोक दे और उसका एक्सीडेंट ना हो। वाह, क्या जीनियस प्लान है। लेकिन ऐसा फालतू प्लान भी काम कर जाता है और ब्रैंडिट और उसकी फैमिली एक्सीडेंट से बच जाती है। क्लाइमेक्स में दिखाते हैं कि ब्रैंडिट भगवान का शुक्र अदा कर रहा है क्योंकि उन्होंने उसे और उसकी फैमिली को मौत के मुंह से बचा लिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।